इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स। ये आपने इवेलुएट करना है। साफ नज़र आ रहा है कि जब यहाँ पे आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये 1 डिवाइड बाय जीरो यानी कि इन्फिनिटी साइन ऑफ इन्फिनिटी आता है। और साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है ये हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये एक बाउंडेड आंसर है। माइनस वन से लेकर वन तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि साइन की जो रेंज है वो क्या है, माइनस वन से लेकर वन तक होती है। अब आप क्या करेंगे कि इसको प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं पहले राइट हैंड लिमिट ले लेता हूँ। तो आप लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट, पहले राइट हैंड लिमिट फ्रॉम राइट साइन ऑफ वन डिवाइड बाय एक्स और ये क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा कोई बाउंड्री नंबर आ जाएगा और वो कितना होगा, वो होगा लेट करें कि टी कह देते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, लेट इसको टी कह देते हैं। और टी क्या होगा कि माइनस वन और वन इस वाले क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगा। अब आप क्या करें कि अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट, ज़ीरो के ऊपर छोटा सा आपने माइनस का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट का जो शो करता है वो लिखना है। तो आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा, क्योंकि आप ज़ीरो से छोटी वैल्यू से होते हुए ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं, ज़ीरो से छोटी वैल्यूज का मतलब नेगेटिव वैल्यू से होते हुए आप ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं। तो हमने देखा कि एक्स किधर पड़ा हुआ है, एंगल के अंदर पड़ा है। जब आप नेगेटिव वैल्यू से ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है साइन के इन साइड क्या नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। जैसा कि हमें पता है कि अगर साइन के इन साइड यानी कि साइन के एंगल में या इस फंक्शन की डोमेन के अंदर कोई अगर नेगेटिव नंबर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव ऑफ एक्स आ जाता है, तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है माइनस साइन एक्स प्रोड्यूस करता है। तो इधर भी यही होगा कि यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, डेफिनेटली क्या आ जाएगा, माइनस टी आ जाएगा। और वो माइनस टी कहाँ से बिलोंग करेगा, जारी सी बात है वो भी किसे, माइनस टी जो है ना उसमें टी जो है ना वो इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। ये आपने लिखने की ज़रूरत, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरवल माइनस वन से लेकर वन तक इस वाले इंटरवल से बिलोंग करेगा। आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखें, दोनों के आंसर्स क्या सेम है, नहीं, दोनों के आंसर सेम नहीं है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, इसका मतलब है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसको इक्वेशन वन कह दें और जो दूसरे वाली लेफ्ट हैंड लिमिट इसको इक्वेशन टू कह दें और लिखें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइन ऑफ वन एक्स वन डिवाइड बाई एक्स साइन ऑफ वन डिवाइड बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट ऑफ साइन ऑफ वन डिवाइड बाई एक्स इसके आगे लिखेंगे हैंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 ये है
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें से आप जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो आप यहाँ से जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर भी उसको निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को आपने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया और फिर आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर नीचे वाले को एज इट इज रहने दे दें और लिमिट भी साथ में लिखना पड़ेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कह देता कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी कहता तब क्या आना था आंसर? फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर जो है उसकी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स में हमें पता जब एक्स लेस देन ज़ीरो हो जाए तो ये नेगेटिव एक्स जनरेट करता है, इसी तरह से जब स्क्वेयर रूट एक्स में स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर में एक्स नेगेटिव हो जाए तो ये आपको नेगेटिव आंसर जनरेट करेगा। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव इट इज़ लेस देन ज़ीरो, ये आपको नेगेटिव आंसर जनरेट करके देगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, इसलिए अगर यहाँ पर होता कि एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, अगर लिमिट में एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी आता तो हम एक्स स्क्वायर के बजाय यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करते? नेगेटिव एक्स। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस एक्स स्क्वायर के बजाय सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोट करने के लिए, पेपर में आपको वो नेगेटिव इन्फिनिटी दे सकता है। ऊपर वाले न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम, नीचे से भी आप एक्स को अगर कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा आपके पास। तो एक्स यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन लेने का मतलब अंदर एक्स के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा वन प्लस वन डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा, और लिमिट क्या होगी, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर का एक्स और डिनोमिनेटर का एक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो पीछे रह गया इस पर आप क्या अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट वन प्लस वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, यानी कि इन्फिनिटी एंड होल डिवाइड बाई वन प्लस वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी। अब आपको ये पता है कि किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से डिवाइड कर दें तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है, इसी तरह से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा वन बाई इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आ जाता है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, वन प्लस ज़ीरो स्क्वायर रूट डिवाइड बाय वन, यानी कि आपके पास वन डिवाइड बाय वन आ गया, दैट इज़ इक्वल टू वन, एंड यही इसी का आंसर था। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी तरह के, क्वेश्चन नंबर 13, और ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी फोर एक्स क्यूब माइनस
टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव। न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री के साथ डिवाइड कर लें फिर भी सॉल्व हो सकता है, या आप सिंपली या क्या करें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की उसके साथ आप डिवाइड कर दें। डेफिनेटली डिनोमिनेटर के अंदर या न्यूमरेटर के अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स क्यूब है, तो आप दोनों को क्या कर देंगे, एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे। ऊपर भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें, नीचे भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो आ गया एक्स। इसी तरह से वन डिवाइड बाय एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय, इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर को, तो आपके पास आ जाएगा थ्री माइनस फाइव को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब से, तो फाइव डिवाइड बाय एक्स क्यूब आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आप क्या कर दें, इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा फोर प्लस टू डिवाइड बाई इन्फिनिटी, अभी बताया इसका क्या आंसर होता है ज़ीरो, प्लस इसी तरह से वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी का क्यूब यानी वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, एंड नीचे क्या आ जाएगा थ्री माइनस फाइव डिवाइड बाई इन्फिनिटी यानी ज़ीरो, और इसका आंसर क्या आ गया सेवन, ओ सॉरी फोर डिवाइड बाई थ्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको जो आपके आर्टिकल्स में लिमिट थ्योरम दिए हुए वो आपको आने चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ कि कौन सा थ्योरम यूज़ होता है, वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन डिवाइड बाय एक्स एंड होल पावर एक्स, तो इस केस में आपको ये क्या आंसर जनरेट करके देगा ई, और ई क्या होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.718818 एंड अप टू सो ऑन। तो इस थ्योरम को आपने यूज़ करना है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस टू बाय एक्स होल की पावर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ज़रा गौर करेंगे, आपका जो थ्योरम था उसके अंदर वन प्लस वन डिवाइड बाय एक्स होल की पावर एक्स लिखा हुआ, यानी कि जो ऊपर पावर दी हुई है इस पावर का रेसिप्रोकल वन के साथ प्लस होना चाहिए। दोबारा से सुन लें कि जो पावर है इस पावर का रेसिप्रोकल वन डिवाइड बाय एक्स के साथ, और सर इस पावर का रेसिप्रोकल वन के साथ ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पर वन के साथ क्या ऐड हो रहा है, टू डिवाइड बाय एक्स, टू डिवाइड बाई एक्स इस ये किसका रेसिप्रोकल है, ये एक्स डिवाइड बाई टू का, तो इसलिए हम इंटेंशनली बाहर पावर क्या लगाएंगे, एक्स डिवाइड बाई टू। यह आ जाएगा वन प्लस टू डिवाइड बाई एक्स होल की पावर एक्स डिवाइड बाई टू। अब आप देखें पावर क्या है, एक्स डिवाइड बाई टू, और वन के साथ क्या अंदर ऐड हो रहा है, इसी पावर का रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है। चूंकि हमने ये टू अपनी तरफ से लगाया तो हमने इसको क्या करना है, इसको टू से मल्टीप्लाई भी करना है, टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये टू जो है आपस में कैंसिल होंगे और वापस हमें पिछले वाला स्टेप मिल जाएगा, क्योंकि हमने बीच में इक्वल लगाया, तो इसका मतलब है कि इस वाली एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को इक्वल रहना चाहिए, तो यानी कि बैलेंस्ड रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस टू को बैलेंस करने के लिए बाहर होल के साथ टू लगा दिया। और ये जो होल का टू है वो एक्चुअली इधर आता है, ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाती है,
अब इसके बाद हमने दोबारा से एक लिमिट का थ्योरम यूज़ करना, और इसके अंदर यही था कि पावर के अंदर आप लिमिट को लेकर जा सकते हैं। आप इस लिमिट को अंदर पावर के अंदर ले जाएं, यानी कि स्क्वायर के बेस में लेकर चले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सिंपली लिमिट जो है वो अंदर आ जाएगा। होल पावर एक्स डिवाइड बाई टू, और इस सब की जो पावर है वो कितनी है, टू। अब वो वाला लिमिट वाला थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो लिमिट अप्लाई हो रही है वो एक्स के ऊपर हो रही है। तो और हमारे पास जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, हमारे पास जो पावर और रेसिप्रोकल है वो है एक्स बाई टू और टू बाई एक्स, और यानी कि पावर के ऊपर वहाँ पर लिमिट अप्लाई हो रही है। दोबारा से देख लें, वहाँ पर लिमिट किस पे अप्लाई हो रही है, एक्स के ऊपर, और वो एक्स किधर है, पावर में, जबकि यहाँ पे पावर में क्या है, यहाँ पे पावर में एक्स डिवाइड बाई टू है। अब ज़रा गौर करें कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो डेफिनेट सी बात है कि एक्स डिवाइड बाई टू भी किधर को अप्रोच करेगा, ये करेगा इन्फिनिटी डिवाइड बाई टू को अप्रोच करेगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, दोबारा से इन्फिनिटी के इक्वल, यानी कि एक्स बाई टू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ ये चीज़ का चेंज लेकर आएंगे, फिर छोटा सा चेंज हमने करना है, ये आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई टू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और आगे से सारा वही रहेगा, वन प्लस टू डिवाइड बाई एक्स होल की पावर एक्स बाई टू, और इस सारे की पावर कितनी हो जाएगी, टू। अब इसके ऊपर हम लिमिट का थ्योरम लगाएंगे, और यहाँ पर आपको खुद यहाँ पे साथ में मेंशन भी करना पड़ेगा कि हमने कौन सा लिमिट का थ्योरम लगाया, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एक्स होल पार एक्स इज इक्वल टू ई है, ये हमें साथ में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ई होल का पार टू, यानी ई स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल इसी तरह का है, और ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन माइनस वन डिवाइड बाय एक्स होल की पावर एक्स, इसमें भी बिल्कुल वही वाली एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताई वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, और आपको अपने थ्योरम के साथ कंपैटिबल रहना है। और यहाँ पे उस थ्योरम की यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, बैलेंस करने के लिए हम अंदर माइनस लगा देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि इसका ही रेसिप्रोकल जो है ना, वो पावर का रेसिप्रोकल अंदर होता है, तो फिर हम क्या लगा देंगे, माइनस एक्स लगा देंगे, ताकि इसका रेसिप्रोकल इनसाइड आ जाए, वन के साथ ऐड होना चाहिए, और बाहर इस माइनस एक्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस वन पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका आंसर वो लिमिट का थ्योरम आप डायरेक्टली अप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव ई की, सॉरी ई की पावर माइनस वन आ जाएगा आपके पास आंसर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन डिवाइड बाय ई के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तो टोटली ऐसा है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स होल की पावर एक्स, किसके इक्वल आ जाता है ये, इसको अगर आप सॉल्व करें तो
जो टॉप पे न्यूमरेटर में एक्स लिखा हुआ है इसको आप क्या करें डिनोमिनेटर के नीचे लिख दें और आप इसको इजीली लिख भी सकते हैं लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स और वो टॉप वाले एक्स को आप किधर लेकर आगे यहाँ पर लेकर आगे क्योंकि आपका जो मेन डिवीजन साइन है वो है ये तो इसलिए ये एक्स जो है वो वापस कहाँ जा सकता है यहाँ पर न्यूमरेटर में वापस जा सकता है लेकिन आपने इसको वापस नहीं लेकर जाना और होल पावर क्या आपकी एक्स है। डिनोमिनेटर के अंदर जो लिखा हुआ है इसमें आप क्या कर दें कि एक्स को सेपरेट कर दें वन और एक्स के नीचे से दोनों को दोनों के नीचे से एक्स को आप सेपरेट कर दें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा वन डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स होल पावर एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें और आप ये पावर जो एक्स है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन की पावर एक्स और नीचे आ गया एक्स एक्स के साथ कैंसिल हुआ वन आ गया और वन प्लस एक्स को आप सेकेंड नंबर पे लिख दें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी इसकी भी पावर क्या आ जाएगी एक्स। न्यूमरेटर में लिखा है वन की पावर एक्स और वन की जो मर्जी पावर ले लें आपके पास आंसर वन ही आता है। आपके पास आंसर वन आ गया फिर आपने क्या करनी है लिमिट को ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना और नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऊपर वन है चूँकि इसके ऊपर जो मर्जी लिमिट ले लें ये कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही कॉन्स्टेंट आपके पास आ जाएगा तो इसलिए इसके ऊपर हम लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे और लिमिट हम सेपरेटली किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के ऊपर अप्लाई कर देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन डिवाइड बाय एक्स होल की पावर एक्स। अब इसके ऊपर वही वाला थ्योरम अप्लाई कर दें तो ई आ जाएगा वन डिवाइड बाय ई आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स इसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर एक रूल पढ़ेंगे वो वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर इसका नाम है लॉपिटल्स रूल। लॉपिटल्स रूल यहाँ पर आपने लिखना है बाय यूजिंग लॉपिटल्स रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए या ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आ जाए इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए कब जब आप ये लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लें। तो आपने यहाँ पर भी वही काम करना है कि यहाँ पे आपने डेरिवेटिव ले लेना लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा वो आ जाएगा ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन ए। एल एन ए क्या नेचर लॉग ऑफ ए ये आ जाता है और ये आपने सेकेंड ईयर की बुक के अंदर ये फार्मूला पढ़ा हुआ है सेक्शन 2.5 के अंदर या सेक्शन 2.6 के अंदर। तो इसी तरह से ये अब आप क्या करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे और ये रूल अब हम अगले वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर लिमिट जब अप्लाई जब इवेलुएट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब ए की पावर एक्स माइनस वन इसका डेरिवेटिव लें क्या आता है आपके पास आ जाएगा ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन ए
फिर आगे माइनस वन है, माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है, लेकिन वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आ जाएगा वन। अगर अभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आ रही है, यानी कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म, तो फिर आपको दोबारा से यही काम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर्चुनेटली नीचे वन आ गया, तो इसलिए अब मज़ीद आपको ये रूल दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करें, डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे। अब जब आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, एल एन ए। शुरू में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया गया है कि ए इज़ ग्रेटर देन वन, ए इज़ ग्रेटर देन वन, उसने यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया हुआ है बुक के अंदर। अब चूंकि अगर ए वन होता तो इसका क्या आंसर आता, वन की पावर इन्फिनिटी यहाँ पर वन आ जाता और एल एन ऑफ वन ये ज़ीरो, तो वन मल्टीप्लाई ज़ीरो, ये ज़ीरो आंसर आता। लेकिन चूंकि इसने वन ग्रेटर देन सॉरी ए जो है उसको ग्रेटर देन वन का है, और ग्रेटर देन वन कोई भी नंबर ले लें उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई एल एन ऑफ ए। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन वन है, और इसका जब आप लॉग लेंगे तो ये भी ग्रेटर देन वन आएगा, यानी कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा प्लस इन्फिनिटी। ये इसका आंसर है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी बुक के अंदर जाएँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 29, एग्ज़ाम्पल नंबर 29 देखें और इस एग्ज़ाम्पल को सही तरह और केयरफुली पढ़ें। आपने इसी वाले मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। वहाँ पर x अप्रोचेस टू ज़ीरो है और यहाँ पर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। आपने सिर्फ एंड में आके क्या कर देना है कि ये जो आपका ये स्टेप है इसी पेज के ऊपर, सेकंड लास्ट स्टेप, इसके ऊपर ये थ्योरम 1.32 पार्ट 7 है, ये लगाने के बजाय आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देनी है और मुझे बताना है कि आपका क्या आंसर आया। आपका यही आंसर आएगा, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। बेहतर तरीका है कि आप वो एग्ज़ाम्पल वाला तरीका यूज़ करें। मैंने यहाँ पे लॉपिटल रूल यूज़ कर लिया, आप एग्ज़ाम्पल वाला तरीका यूज़ कर लें। हाउएवर लॉपिटल रूल जो है ये आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पिछले वाले क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किए उन्हीं की तरह से है। और ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 18 ये लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स पावर 4 प्लस सॉरी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की, उसके साथ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के साथ डिवाइड करें, यानी कि ऊपर और नीचे हाईएस्ट क्या आ रहा है, एक्स की पावर 4। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यू विल डिवाइड, यू विल हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स रेज टू द पावर 4। एक्स की पावर 4 के साथ डिवाइड करें, डायरेक्टली मैं डिवाइड कर दूंगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें एक्स की पावर 4 के साथ तो आपके पास 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2 आ गया, और फिर इसी तरह से प्लस 6 है, 6 को भी डिवाइड कर दें किसके साथ, एक्स की पावर 4 के साथ। अब आप चलें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर, इसको भी क्या करें, एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह से आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4।
लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 - 2 / इन्फिनिटी +6 / इन्फिनिटी और इसी तरह से आपके पास आ जाएगा 1 / इन्फिनिटी² यानी इन्फिनिटी +7 / इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 - 0 + 0 / 0 + 0। क्या आंसर आया? 1 / 0, और इसका भी आंसर क्या बनता है, सॉरी 1 / 0 है, तो ये है 1 / 0 और इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। ये आपका आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह से है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो लिमिट है वो है उसमें प्लस और माइनस लगा दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ हुआ है। इसके अंदर यही करना है आपने कि डिनोमिनेटर्स को कलेक्ट करके वो एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। 3-4 स्टेप्स के अंदर सिर्फ सिंप्लीफाई हुआ हुआ है, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये आ जाएगा 2x² / x² + 4x + 3। अब इसको बिल्कुल उसी मेथड से करना है जो हमने अभी किया है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के साथ डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2 / 1 + 4 / x + 3 / x², जो कि ये यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसके ऊपर अब आपने लिमिट अप्लाई कर देना है। आप अगर यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी देखें और फिर देखें प्लस इन्फिनिटी अप्लाई करके देखें क्या चेंज आता है, और फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करके क्या करके देखें क्या चेंज आता है। प्लस इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 / इन्फिनिटी +3 / इन्फिनिटी, जो कि 0 0 हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी अप्लाई करें तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, 1 - 0 - 0, जो कि दोबारा वही रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसका मतलब है कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों अप्लाई करने से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपके पास सेम आंसर आ जाता है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी थोड़ा सा सिंपल ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको बायनोमियल थ्योरम आना चाहिए जो आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा हुआ है। लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x - √x² - a², जो सेकंड टर्म है x² - a², ये वाली, इसके अंदर से आप क्या कर दें कि x को कॉमन कर लें, और यहाँ पर दोबारा से याद रखिएगा कि जब आपने x² यहाँ से कॉमन लिया तो ये भी आपने देखना कि वो बाहर जाके प्लस एक्स बनेगा या माइनस एक्स बनेगा। प्लस एक्स बनता है तो ये आपने लिमिट देखनी है कि लिमिट क्या, लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करिए तो इसलिए ये प्लस एक्स आएगा। तो x² बाहर जाके प्लस एक्स हो गया, और फिर आपके पास 1 - a² / x² / 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट बच जाते हैं। इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें। बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि सॉल्व करने के बाद आपके पास खाली जो बच जाएगा वो -a² / x - 1/8 * a² / 4 / x³ + 2 आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं उनके अंदर डिनोमिनेटर की जो है वो इवन पावर्स आती रहेंगी। अब जो डिनोमिनेटर में एक्स की ऑड पावर्स आती रहेंगी, पहली टर्म के अंदर पावर टू डिनोमिनेटर टू एक्स है, और नेक्स्ट टर्म के अंदर x³ है, और इससे नेक्स्ट वाली में डिनोमिनेटर जो है उसकी पावर x⁵ हो जाएगी। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं उनमें डिनोमिनेटर के अंदर x आ रहा है और उसकी हायर पावर आ रही है। अब वहाँ पर जब इन्फिनिटी पुट करेंगे जो आपकी लिमिट है वो लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म 0, नेक्स्ट वाली भी 0, और इस तरह से अप टू सो ऑन सारी टर्म्स 0 0, और आपका आंसर क्या हो जाएगा,